हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर प्योर सब्सटेंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ था। आज बात होगी इम्प्योर सब्सटेंस की। जैसा कि प्योर सब्सटेंस जो कि एक ही टाइप के एटम या फिर मॉलिक्यूल से कंजिस्ट होता है और किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू उसको आप डिकम्पोज या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, केमिकल से चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इम्प्योर सब्सटेंस की, और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर बिल्कुल उलट हो जाएगा प्योर सब्सटेंस के। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइनिंग फॉर्म में हो सकते हैं। उनकी कंपोजिशन जो होगी वो डिफरेंट होगी, यानी कि कोई किसी रेशो में कंबाइनिंग फॉर्म नहीं होगा। उसके अलावा वहाँ पर जो है कोई केमिकल कॉम्बिनेशन भी उनके बीच में नहीं होगा। इट मीन्स आप उनको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। केमिकल की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर। वहाँ प्योर सब्सटेंस में क्या था, केमिकल से आप उसको सेपरेट कर सकते थे बट फिजिकल से सेपरेट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं सिंपल डेफिनेशन, इट मे बी डिफाइंड एज मटेरियल, साथ में नोट करते चले आप, विच कंटेंट टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स। देखो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसका एक और नेम होता है ऑल्सो नेम्ड एज मिक्सचर भी इसको बोला जाता है, जहां पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो और कोई केमिकल कॉम्बिनेशन ना हो तो उसको आप मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस के साथ साथ मिक्सचर भी उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम मिक्सचर को एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, आप लिख लीजिएगा मिक्सचर, और मिक्सचर का मतलब क्या होता है लिख लीजिए। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल, वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई है, इज अ मटेरियल विच कंटेंस टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल। अच्छा, यहां पार्टिकल जो है आपके क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। मेन चीज अब आ रही है, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। मतलब जब आपने कॉम्बिनेशन बनाया है दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, तो वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं। वी डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट सिर्फ वो फिजिकल मेथड से ही कंबाइन होते हैं, बट फिजिकली mixed together in any proportion। जैसा कि मैंने बताया कि कोई फिक्स प्रोपोर्शन यानी कि कंपोजिशन नहीं होता है। अच्छा, जब फिजिकली कंबाइन होता है, हो सकता है तो कैन बी सेपरेट भी फिजिकली हो जाएगा, वो सेपरेटेड बाय सूटेबल लिखेंगे, अलग अलग टाइप की फिजिकल प्रोसेस होते हैं, सूटेबल फिजिकल प्रोसेसेस या फिजिकल मेथड्स, उसको आप क्या बोल देंगे, मिक्सचर बोल देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है इम्प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस को आप जो है मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो मिक्सचर है उनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मिक्सचर जो हमने यहाँ पर कंपोजिशन लिया है उन कंपोजिशन के बेसिस पर मिक्सचर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखो, पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, और जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं हीटरोजीनस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम और हीटरो का मतलब होता है डिफरेंट। होमो का मतलब सेम और हीटरो का मतलब डिफरेंट।
यहाँ पर हम कह दें कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखें कि सेम काइंड ऑफ एटम्स यहाँ पर केमिकली कंबाइन होंगे, सेम काइंड ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन होंगे, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो कंपोजिशन होता है यानी कि प्रपोर्शन जो होता है वो फिक्स होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन फिक्स हो यानी कि कंपोजिशन फिक्स हो और एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर केमिकली कंबाइन हो जाए, उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। दूसरा हीट्रो मतलब डिफरेंट, यहाँ पर जो है दो या दो से ज़्यादा टाइप के अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिक्सअप होते हैं एक दूसरे से, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं हीट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो है एक पार्ट होता है वो दूसरे पार्ट में केमिकली कंबाइन भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है इनके लिए थोड़े से हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हीट्रोजेनस मिक्सचर, तो उसको भी हम यहाँ इन पॉइंट्स के हिसाब से आंसर कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ऑल द कंपोनेंट्स की मतलब आप बात समझ रहे हैं, कंपोनेंट्स यहाँ पर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। ऑल द एटम्स, मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्सड, यूनिफॉर्मली मतलब फिक्स कंपोजिशन के साथ जो है सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ, मैंने लिख दिया। यहाँ पर अलग करके भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो कंपोजिशन होता है यहाँ पर यूनिफॉर्म होता है एंड वन सब्सटेंस कैन बी कंबाइन विद अनदर सब्सटेंस केमिकली, ठीक है। यहाँ पर जो है फर्स्ट पॉइंट इसके लिए अगर हम लिखें तो क्या लिख देंगे, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट, इसमें क्या है नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, आर नॉट thoroughly mixed with non-uniform composition। तो वही बात आ रही है जो हम बोल रहे हैं। इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो no separation boundaries are visible, मतलब यहाँ पर जब आप कंबाइन कर देंगे तो आपको ऐसी कोई बाउंड्री नज़र नहीं आएगी उसमें, मतलब ऐसा कोई फंक्शन नज़र नहीं आएगा कि जिससे आप उनको अलग अलग कर सकें, ठीक है ना। तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा, लिख सकते हैं आप नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें हीट्रोजेनस में तो क्या होगी यहाँ पर आप, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है ना केमिकल, इसलिए सेपरेशन बाउंड्री होगी और आप उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, यहाँ पर आप सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको और अच्छे से बता सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल फेज, यानी कि यहाँ पर जो है अगर कॉम्बिनेशन जो है यूनिफॉर्मली है और उसके अलावा एक जो है दूसरे में कंबाइन हो सकता है यानी कि डिसॉल्व हो सकता है ऐसा हम कह दें, तो वो एक सिंगल फेज फॉर्म करेगा ये कह सकते हैं हम, ठीक है ना। यानी कि टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक ही टाइप का प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि यहाँ पर जितने भी मिक्सचर हैं क्योंकि वो कंबाइन तो आपस में हुए नहीं है केमिकली, इसलिए वो जो है अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी, जितने उसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मिले हुए हैं उन सबकी प्रॉपर्टी जो है वो बताएगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पर हम बता सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मतलब जितने भी आपने कंस्टेंट पार्टिकल्स उसमें मिक्स करें सभी का प्रॉपर्टी वो शो करेगा, तो एक से ज्यादा फेज यहां पर ये हो जाएगा। एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप शुगर है भाई, शुगर और पानी वाटर अगर इन दोनों को हम देखें अलग अलग रखें तो ये अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन अगर इनको मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब ये जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो शुगर से और वाटर से दोनों से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है ना। यानी कि नया टाइप का सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म हुआ है इसलिए नई प्रॉपर्टी ही ये शो करेगा। तो शुगर जो है वो डिजॉल्व
इन वाटर, तो इसमें क्या है, कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म है और एक पार्ट दूसरे पार्ट में कंबाइन भी हो जाता है, डिजोल्व भी हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आप कुछ भी ले लिया, कंकड़ पत्थर कुछ भी ले लिया है, तो वो आपस में क्या होता है, कंबाइन नहीं होता है, और कितना भी आप रेशो रख लीजिए किसी भी कंडीशन में वो आपस में इंटरमिक्स नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में जैसे मान लीजिए आपका एयर है, एयर के अलावा सैंड है एंड कॉमन सॉल्ट है, आप इनको कितना ही मिक्स कर दीजिए कॉमन सॉल्ट, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे, और हमेशा जो है ये इनका आप मिक्सचर भी तैयार कर लेंगे तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी ही इनकी शो करेंगे। तो ये तीन फेज इसमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन ये कंबाइन होके एक सिंगल फेज में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर दो टाइप जो है मिक्सचर के, होमोजेनस एंड हीट्रोजेनस, यहाँ पर आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जब मिक्सचर की बात हमने कर ली और उसके अलावा जो हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, उसके अंदर हमने कंपाउंड पढ़ा था, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि दोनों टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, तो अब आप खुद बता सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, देखो साथ में सारे टॉपिक्स हम करते चले जाएंगे, चाहे वो स्कूल सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, सब कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो कंपाउंड्स में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो हम लिख लेते हैं, एक तरफ हमने मिक्सचर लिख लिया है और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं कंपाउंड, ठीक है, एक लाइन बीच में, चलिए बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, मिक्सचर क्या होता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा है, वेरियस एलिमेंट्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, ये होता है भाई मिक्सचर, और इसमें आपको पता है कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, जैसे आपने यहां पर देखा, एंड नो न्यू सब्सटेंस, या कहते हैं कंपाउंड है ना, सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर यही चीज़ हम कंपाउंड्स की तरफ लिखें, तो आपको पता है कि इसमें जो भी चीज़ें आपने मिक्स की है वो आपस में केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे और नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। तो आप लिख दीजिए सिंपली, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, वेरिएबल कंपोजिशन होगा, है ना, अ मिक्सचर जिसको चेंज किया जा सकता है, अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, बात समझ में आया। मान लीजिए आपने सैंड को और कॉमन सॉल्ट को मिक्स किया है, मिक्सचर बनाया है, वेरिएबल है, इसमें आप चेंज कर सकते हैं, चाहे सैंड आप ज़्यादा कर दें, कभी कॉमन सॉल्ट आप ज़्यादा कर दें, तो वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमेशा जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, वो हमेशा फिक्स प्रपोर्शन में ही कंबाइन होंगे, ठीक है। एक एलिमेंट को कॉम्बिनेशन के लिए जितना दूसरा पार्ट चाहिए वही उतना ही लेगा, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं, तो फिक्स कंपोजिशन हो जाएगा। तो द कंपाउंड्स हैज अ फिक्स कंपोजिशन, ये चीज़ हो गया, एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स। थर्ड आप ले लें, A mixture shows the properties of its constituents. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये जितने भी मिक्सचर में जितने भी पार्टिकल्स आपने लिए हैं, सब्सटेंस आपने लिए, उन सभी के प्रॉपर्टी ये शो करेगा। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं उन सभी का प्रॉपर्टी एक मिक्सचर शो करता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग हो जाएगा, जितना आपने मिक्सचर किया है, जैसे शुगर और वाटर केस आपने लिया था तो अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन आपने मिला दिया तो ये इन दोनों से हट के कुछ नया प्रॉपर्टी शो करेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर, यहाँ लिख देते हैं, टोटली डिफरेंट, बात समझ में आ गई, टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं मैं, जो लिए हैं आपने उनसे
अलग, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी यहाँ पर कंपाउंड के अंदर शो होती है। अब नेक्स्ट अगर हम लें तो मिक्सचर की बात कर रहे हैं। अब मिक्सचर में देखें अलग अलग चीज़ें होती है, तो अगर मान लीजिए उनको गर्म कर रहे हैं, उनको मेल्ट कर रहे हैं या लिक्विड स्टेट में तो उनको बॉईल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि वो केमिकली कंबाइन नहीं है, यानी कि अलग अलग कॉन्स्टेंट का पार्टिकल, अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के वो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल रहेगा, मतलब चेंज हो सकता है, अलग अलग होगा, है ना। यानी कि सेम उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, तो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, इसलिए उनका फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। जबकि यहाँ पर आपको पता है एक कॉमन प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब जितने भी मिलाए हैं आपने उन सब का मिक्सचर होके एक नया प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बता देंगे आप द फोर्थ, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से और एक बता दीजिए डिफरेंस, द कॉन्स्टेंट सेपरेट किया जा सकता है ना, तो लिख दीजिए कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, फिजिकल मेथड्स, जबकि इनको फिजिकल से नहीं किया जा सकता, केमिकल मेथड से आप इनको कर सकते हो, ये चीज़ मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंस बता सकते हो कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच। चलिए अब यहाँ पर जो है बड़ा टॉपिक हम करने जा रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये जो मिक्सचर है, अगर उनके हीट्रोजीनस और होमोजीनस नेचर, कौन कौन सा नेचर, हीट्रोजीनस एंड होमोजीनस नेचर के बेसिस पर अगर हम मिक्सचर को चाहें तो और ज़्यादा तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको आप सोल्यूशन बोलेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन बोलेंगे एंड सस्पेंशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू नेचर, कौन सा नेचर, होमोजीनस एंड हीट्रोजीनस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर मिक्सचर कैन बी फर्दर डिवाइडेड, तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, कौन कौन सा भैया, बोला अभी मैंने, एक तो हो गया अपना सॉल्यूशन, जिसको हम आइडल सॉल्यूशन भी बोलेंगे, ठीक है ना, समझेंगे एक एक को। दूसरा बोलेंगे हम यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और थर्ड जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सस्पेंशन, ठीक है ना। तीनों होमोजेनस और हेटरोजेनस बेसिस पर अपने डिवाइड किए हैं। तो यहाँ पर जब बात की जा रही है तो सबसे पहले उठा लेते हैं हम किसको, सॉल्यूशन को, बहुत अच्छे से, ठीक है ना, सबसे मेन टॉपिक है सॉल्यूशन, ठीक है ना, आगे के लिए, आगे की क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी एडवांस में हम सॉल्यूशन को पढ़ेंगे ताकि आपको फर्दर क्लासेस के अंदर ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले देखो हम बता देते हैं कि सॉल्यूशन, देखो इसमें हम बताएंगे कि कौन हीट्रोजीनस है, कौन होमोजीनस है, ठीक है ना, और किस तरीके से और उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर लेंगे भैया एक होमोजीनस है, होमोजीनस है क्योंकि यहाँ पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है और उसमें एक कंपोनेंट दूसरे में डिसॉल्व हो सकता है, इसलिए सॉल्यूशन को हम मानते हैं होमोजीनस। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर अ सॉल्यूशन इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है ना, बस कंपोजिशन सेम होना चाहिए और एक दूसरे में वो डिसॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर
लेमन वाटर। लेमन वाटर में पता है ना आपको लेमन वाटर क्या होता है, पानी के अंदर नींबू डिजोल्व हो जाता है। इसी तरीके से अभी एग्जांपल लिया था हमने, शुगर सॉल्यूशन लिया था, शुगर सॉल्यूशन हो गया, सोडा वाटर आपने सुना होगा। तो ये सब क्या इंटरमिक्स हो जाते हैं और कंपोजिशन यूनिफॉर्म है एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारी। अब ये सॉल्यूशन किससे बना हुआ है तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज मिक्स कर रहे हैं उसमें किसको क्या हम बोलेंगे। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स यहाँ पर जनरली हुआ करते हैं। पहले कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है भाई, दो चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए आप शुगर ऐड कर रहे हो वाटर के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि एक गिलास पानी के अंदर एक बोरी शुगर आप मिक्स कर दोगे, है हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आप शुगर जो है एक गिलास में ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा जो है वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा अगर ज़्यादा अमाउंट में आपने लिया। तो सॉल्वेंट जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ले रहे हैं उसमें से एक ऐसा सब्सटेंस जो कि लार्ज अमाउंट में है, और दूसरा कि वो उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर क्या कर ले, डिजोल्व कर ले, तो वो चीज़ कहलाती है सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई, लिख दूं, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि That dissolves, जिसके पास ability हो कि वो दूसरे को अपने अंदर dissolve कर दे, that dissolves the other component in it and is usually present, कैसा हो, ज्यादा amount में हो, present in larger amount। क्या बोल देंगे, कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के ऐसे पार्ट को हम बोल देंगे सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने, वाटर जो है वो एक बढ़िया सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम मिनरल्स को या मैक्सिमम सब्सटेंस को अपने अंदर ये डिजोल्व कर लेता है। बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और ले लिया है कि अल्कोहल PTC कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट होता है आपका सॉल्वेंट। इसी तरीके से दूसरा हो जाता है सॉल्यूट। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो सॉल्वेंट जो भी मैंने देखा, और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्जर अमाउंट में हो और उसके पास एबिलिटी हो कि वो दूसरा जो पार्टिकल है उसको अपने अंदर डिजोल्व कर ले। सॉल्यूट क्या होगा, अरे वही दूसरा पार्टिकल जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हुआ है, यानी कि जो लेस अमाउंट में है। कहने का मतलब जो वाटर और शुगर है उसमें वाटर सॉल्वेंट हुआ जो कि डिजोल्व कर दे रहा है किसको, शुगर को, और जो डिजोल्व हो रहा है मतलब शुगर वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, क्योंकि लेस अमाउंट में, ठीक है। सिंपल सी बात है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, एंड यूजुअली क्या होता है वो लेसर अमाउंट में होता है, एंड यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, नोन एज सॉल्यूट। बात समझ आ गई, जैसे कि सॉल्ट हुआ आपका, शुगर हुआ भाई, है कॉपर सल्फेट हुआ, तो ये सब क्या है, सॉल्यूट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बोला शुगर आपने ऐड किया किसके अंदर, वाटर के अंदर ऐड किया भाई, क्या मिल जाएगा, शुगर सॉल्यूशन। तो भैया क्या हो गया, ये जो लेस अमाउंट में है, तो जो लेस अमाउंट में और दूसरे में डिजोल्व हो जा रहा है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट। ये है आपका लार्जर अमाउंट में और ये जो है वो दूसरे को अपने अंदर डिजोल्व करता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और ये क्या कहला जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सीधी सीधी बात कही हमने कि ऐसी स्पीसीज जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनी हो वो क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। हमेशा ऐसा नहीं है कि फिजिकल स्टेट हमेशा इसे एक का सॉल्वेंट दूसरे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और भी एग्जांपल इसके हो सकते हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल प्लस वाटर बोलते हैं ना, वो पानी के साथ या सोडा के साथ, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर, अल्कोहल एंड वाटर। तो यहाँ पर देख लीजिए आप,
अब मैं क्या बताऊँ इसके अंदर आपको, ये जो होता है लेस अमाउंट में ही होता है, कुछ कुछ होता है पंजाबियों में पटियाला, वो कुछ नॉलेज नहीं है मेरे को, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जितना मैंने मूवीज़ में देखा है कि ये कम अमाउंट में होता है और ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूट और ये हो जाएगा आपका यहाँ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर जो है बन गया, मैं लिख देता हूँ एल्कोहलिक ड्रिंक, समझ रहे हैं ना बात में, ये आपका एक बन जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ आपने जो है अभी बात की है कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर्टीज क्या है सॉल्यूशन की, और कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर वो किस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी इस टॉपिक के अंदर आएंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन और जो है जहाँ तक पॉसिबल होगा उतना हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर अभी और दो लेक्चर हमें कम से कम करने पड़ेंगे। तब तक के लिए बाय।